आपके सामने कुछ अलंकार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अलंकार का अर्थ है पैटर्न डिजाइन। अब एक पैटर्न जैसे आप अगला सुन लेंगे, रे गा अवरोही सा स्वरों का अलंकार दा रा दा। अब इसको हम दागरा ताल में भी बजा सकते हैं और दादरा ताल की संगत होगी धा धिन ना धा धिन ना। तो इस तरह से ऐसे एक चरण। अब दूसरा अलंकार देखिए जो झपताल में बज सकता है। सारे सारे गा फिर रे रे गा म गा म पा दा पा धा नी सा नी सा नी धा पा 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 गा म गे 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 सा। सॉरी इसको झम ताल में भी इसका रियाज कर सकते हैं, बजा सकते हैं। अब तीसरा अलंकार है सारे सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा दा मा पा दा नी पा दा नी सा नी सा नी दा पा नी दा पा मा धा पा मा गा पा 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 मा गा रे मा गा रे सा। इसमें तार चलेगा ती ती ना धिन्ना धिन्ना ती ती ना धिन्ना धिन्ना ती ती ना धिन्ना। ये हो गया हमारे अलंकार। एक पहला था दादरा ताल में, दूसरा झप ताल में, तीसरा रूप ताल में।
ऐसे अनेक प्रकार के अलंकार हो सकते हैं जिनका हम अपने दाना बाना हाथ खोलने के लिए रुख कर सकते हैं। अब सितार बजाते समय जब आप सरगम या कुछ भी बजाएं तो आप ये लेफ्ट बाएं पैर को जमीन पर आघात करते हुए लैब भी दे सकते हैं, जैसे स्ट्रोक दीजिए जैसे सारे गाने। अब सा पर सा सप्त पर आठ आठ पर स्ट्रोक हुई और चार चार पर ये चार चार पर स्ट्रोक, पांव का स्ट्रोक देना पैर के छोटी उंगली जमीन पर टच करें और स्ट्रोक। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के